हाँ, तो मेरा नाम है गुलाम दस्तगीर। मैंने किया एनआईटी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग 1990 में। उसके बाद मैं चला गया था केडीए, फिर वहाँ से मैं चला गया था एमएस करने अमेरिका, मिशिगन यूनिवर्सिटी डिट्रॉय में। तो आजकल मैं होता हूँ बहरिया टाउन कराची में। तो अगर आपका कोई काम है बहरिया टाउन कराची में, कोई विला बनवाना है, कोई विला खरीदना है, कोई विला बेचना है, कोई फ्लैट लेना है, कोई ऑफिस लेना है, कोई दुकान बुक करानी है, दुकान खरीदनी है, तो उस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं केडीए में रह चुका हूँ, तो अगर आपका कोई काम केडीए में है तो उस सिलसिले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा आपका कोई प्लाट है, उस पर नक्शा बनवाना है, उसे सीन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव कराना है, और घर बनवाना है, घर सुपरवाइज करवाना है, तो उस सिलसिले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आपको कोई कंपनी रजिस्टर करानी है, कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, कंपनी का लाइसेंस अपग्रेड कराना है, तो उस सिलसिले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो है करोना वायरस। करोना वायरस क्या है? ये वायरस है जो इंसान को लगता है, और फिर जिस इंसान को लगता है फिर उससे दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होता है। तो करोना वायरस क्या है? वायरस है जो आपको लगेगा और फिर आपसे किसी और दूसरे को लगेगा। इस तरीके से ये बढ़ता है। जैसे एक घर में एक आदमी को हो जाए तो सबको हो जाएगा, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। कुछ लोग कोरोना वायरस में रिकवर हो जाते हैं और कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये भी इसका मसला है। अब जब ये कोरोना वायरस आया था शुरू शुरू में, तो इससे बचने के लिए मास्क पहनते थे। उसके बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई, तो अब जो उससे बचने के लिए अब वैक्सीन आप लगाते हैं। सबसे अच्छी वैक्सीन जो इसकी है वो फाइज़र 1, फाइज़र 2, फाइज़र का बूस्टर 1, फाइज़र का बूस्टर 2। ये वैक्सीन जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, लेकिन अदर जो दूसरी कंपनियां मेडोना पडोना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए जब भी लगाएं करोना वायरस की वैक्सीन तो कोशिश करें कि फाइज़र की लगाएं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब आपने वैक्सीन लगा ली तो फिर इससे नादरा का एक सर्टिफिकेट बनता है, आ कार्ड बनता है, जिससे वैक्सीनेशन का कार्ड बनता है। जब आप वैक्सीन लगाएंगे तो उसका विलेज के जाएंगे तो वो आपको 100 रुपये नादरा लेगा, 100 रुपये वो प्रिंट शॉप वाला लेगा, और आपको इसका प्लास्टिक कोटिंग करके कार्ड बना के देगा। अगर आपने 2 इंजेक्शन लगाए हैं फाइज़र 1 फाइज़र 2, तो उसके बाद 2 का बना देगा। फिर जब तीसरा लगाएंगे तो फिर दोबारा आपको जाना पड़ेगा, तो वो तीसरा कार्ड उसमें ऐड कर देगा, फिर चौथा, और फिर ये काम ख़त्म। अब करोना वायरस से बचने के लिए शुरू में हमने मास्क यूज़ किया, उसके बाद हमने इसको यूज़ किया वैक्सीन को। अब हमारे मुल्क में जो ये मौलवी हजरात हैं, ये मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं, आप ये कहते क्या हैं कि हमारे को हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, तो हमारे को नमाज की ज़रूरत है ना वैक्सीन की ज़रूरत है। तो ये जहालत का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इंसान ने हर बीमारी से बचने की दवा बनाई है। पोलियो से बचने के लिए पोलियो ड्रॉप्स, करोना से बचने के लिए करोना वायरस की वैक्सीन। अब पहले भी मैं देखा होगा आपने कि जब आप मास्क पहन रहे थे, जब भी करोना वायरस एक इंसान को दूसरे इंसान से ट्रांसफ़र हो रहा था, तो इसलिए ये वैक्सीन जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इसके लगाने के बाद फिर करोना वायरस आपको आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
मतलब ये कि अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई है और सामने से कोई आ रहा है कोरोना वायरस का मरीज़, तो वो आपको कोरोना वायरस दे के नहीं जा सकता क्योंकि आपने वैक्सीन लगाई है। लेकिन अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगाई है और आपके घर में कोई आपसे मिलने आ जाता है और उसको कोरोना वायरस है, तो वो आपको कोरोना वायरस दे के चला जाएगा। तो ये है इसका निज़ाम। तो अल्लाह की ज़ात है जो हर बीमारी और शर से इंसान को बचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने क्या कहा है कि जहाँ पे कोरोना वायरस हो वहाँ से भागना नहीं, वहीं पे रहो। जैसे अब अमेरिका में कोरोना वायरस से ज़्यादा है, तो ये नहीं है कि वहाँ से टिकट लो और पाकिस्तान आ जाओ। तो ये भी इसकी एक ये अल्लाह की तरफ से है। तो दूसरा ये कि कोरोना वायरस जो है वो अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत कम है और बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। तो कुरान के अंदर अल्लाह ने शफा रखी है, तो इसके सुनने से इंसान को शफा मिलती है और अल्लाह उसको बीमारियों से और मुश्किलात से और परेशानियों से बचाता है। और सबसे जो नई अमेरिकन रिसर्च है उसके अंदर ये है कि जो लोग कुरान सुनते हैं उनकी रूह और जिस्म जो है वो उसमें काफ़ी हेल्दी होता है, यानी कि उनकी सेहत जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है कुरान के सुनने से, नमाज के पढ़ने से, दुरूद शरीफ का विद करने से इंसानी सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसलिए ये है। और कुरान के अंदर ये भी है कि कुरान में हर कुरान की आयत का अलग अलग फ़ायदा दिया गया है कि अगर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो जिन फरिश्ते आएंगे, और सूरह बकरा पढ़ेंगे तो जिन्नात आपके से भागेंगे दूर, और सूरह फलक सूरह नास पढ़ेंगे तो ये जादू के लिए किसी ने जादू किया हो तो वो आपसे हटेगा। सूरह यासीन भी जादू के लिए यूज़ करते हैं। आयतल कुर्सी चोर डाकुओं से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आयतल कुर्सी अगर पढ़ेंगे आप या उसको सुनेंगे तो वो चोरों डाकुओं से आपकी हिफाजत होगी। सूरह रहमान जो आपको बीमारियां होती हैं उससे सेहतियाबी हासिल करने के लिए ये है सूरह रहमान। जैसे अगर आपको नज़ला खांसी बुखार हो जाता है तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं या फिर पैनाडोल लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ये सूरह रहमान है। अब कुरान के अंदर ये रखा गया है कि इंसान का जो दिल है वो जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कुरान की जो सूरह रहमान है वो उसको मैच करती है। तो इसकी वजह से इंसान को बीमारियों से निजात मिलती है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे कारी हजरात हैं जो कुरान को इस तरीके से पढ़ते हैं कि आपको वो बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ कुरान जो है डिफरेंट डिफरेंट जो तिलावत करते हैं उसमें से बहुत सारे बहुत जैसे किसी का आपके दिल को लगता है, रूह को लगता है, जिस्म को लगता है, और किसी का आप चाहते हैं कि अभी बंद कर दें। तो कुरान के अंदर भी ये है कि कुरान के अंदर जो शख्स कुरान पढ़ता है तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हार्ट की फ्रीक्वेंसी को अगर वो मैच करेगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा किसी भी बीमारी की सूरत में। तो ये इसकी साइंटिफिक रिसर्च है। तो यह है सूरत हाल। तो पोलियो से बचने के लिए पोलियो ड्रॉप और कोरोना से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन। तो इस तरीके से आप इन दोनों बीमारियों से बचेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि वो मास्क हमेशा जेब में रखें, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे मास्क की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको मास्क पहन के अंदर जाना है, तो अगर बैंक में बगैर मास्क पहने जाएंगे तो वहाँ बाहर सिक्योरिटी गार्ड आपको इनसे भगा देगा
कह रहे हो भाई मास्क पहन के आ जाओ, बगैर मास्क के एंट्री बंद है। यही हाल मस्जिद में है होता है, यही इन्फोर्समेंट मस्जिद में है, यही बैंक में है, यही मैं जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिस में गया तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड है, उसने देखा कि भाई मास्क नहीं पहना हुआ है, तो उसने कहा कि आप जो हैं चलते फिरते नजर आए, यानी कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर मैंने वहाँ पे बच्चा कोई मास्क बेच रहा था तो उससे ख़रीदा और मास्क लगाया और गया अंदर। तो इम्तियाज़ सुपर मार्केट में जाना है सामान लेना ग्रोसरी तो मास्क पहन के जाएं, और अगर आपको बैंक में जाना है तो मास्क पहन के जाएं, स्कूल जाना है तो मास्क पहन के जाएं। अब मैं एनएडी यूनिवर्सिटी से, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो मैं एनएडी यूनिवर्सिटी गया तो गेट पर चौकीदार ने, वो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया और कहने लगा आपके पास मास्क नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे भी गेट पर बच्चे बैठे हुए थे तो वो मास्क बेच रहे थे, तो उसे मास्क खरीदा 20 रुपये का और मुँह पर लगाया और अंदर चले गए। तो ये मास्क के मसले मसाइल। तीसरी चीज़ ये कि मास्क जब आप पहनते हैं तो आपके बोलने की फ्रीडम और सांस लेने की फ्रीडम चली जाती है, और साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब रहते हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो ये भी इसका मसला है। तो और वैसे 24 घंटे आप मास्क पहन भी नहीं सकते, तो ये भी इसका मसला है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाएं, फाइजर 1, फाइजर 2, फाइजर का बूस्टर 1, फाइजर का बूस्टर 2, और मास्क हमेशा जेब में रखें, और जब भी जहाँ पे भी मास्क की रिक्वायरमेंट आ जाती है वहाँ पे मास्क पहन के अंदर दाखिल हो जाएं, अपना काम निपटाएं और बाहर आ जाएं और मास्क उतार लें। जैसे एनर्जी यूनिवर्सिटी में गए अंदर मास्क पहन के, काम निपटाया, बाहर आए यूनिवर्सिटी से, मास्क उतारा, जेब में रखा और घर आ गए। ये इसी तरह बैंक को डील करना है, बैंक में जाना मास्क पहन के जाएं और अपने पैसे जमा कराएं, निकालें, जो भी करना है, और फिर मास्क पहन के बाहर आ जाएं, और फिर जब बाहर आ जाएं तो मास्क उतार के जेब में रख लें। मस्जिद के लिए भी यही है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जब मैं जाता हूँ तो उसका भी यही है, KDS इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और एरिया के ऑफिस में भी जाना हो तो यही काम ऐसे ही होता है। तो मौलवी हजरात जो हैं, कुछ मौलवी हजरात हैं, कुछ सारे के सारे नहीं, अल्लाह ने कुछ मौलवी हजरात को हिदायत दी है, तो कुछ हैं जो उनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी है, तो वो उसी जहालत के निज़ाम पे चलते हैं कि मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, तो मैं तो ना तो मास्क पहनूंगा और ना ही मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाऊंगा। और तो वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको पहनना ही पहनना है कोरोना वायरस से बचने के लिए, आप की इन्फोर्समेंट कहते हैं इसको, इन्फोर्समेंट का मतलब यह है कि मस्जिद ने कहा है कि आप जब आएँ तो कोरोना वायरस का मास्क पहन के आएँ, बैंक में जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ, शॉपिंग करने जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ, तो कभी स्कूल जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ, तो इंजीनियरिंग काउंसिल में जाएँ तो मास्क पहन के आएँ। तो इस तरीके से ये मास्क की रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी पूरा करें, और इसके साथ साथ वैक्सीन भी लगाएं। तो ये है कोरोना वायरस से बचने का तरीका। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना सवाल करें तो फिर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। इसके अलावा ये है कि अगर आपको, आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, मेरे WhatsApp का नंबर है 9231320544 13। तो
मास्क जो है रखें हमेशा अपनी जेब में, और जहाँ पे भी मास्क की रिक्वायरमेंट है पहनने की वहाँ पे मास्क पहन लें। ये रहा कोरोना वायरस का ये तो रहा कोरोना वायरस का मास्क, तो इस तरीके से मास्क पहन लें जहाँ पे भी, यूनिवर्सिटी में जाएं, बैंक में जाएं, पाकिस्तानी काउंसिल के ऑफिस में जाएं, कहीं बहरिया के ऑफिस में जाएं, कहीं शॉपिंग करने जाएं, तो इस तरीके से मास्क पहन लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कहीं शक हो कि आपको कोई मरीज़ है जिसको कोई नज़ला खांसी बुखार है और कोई इस टाइप के सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस के मरीज़ को होते हैं, तो उसके पास भी जाते हुए जाए, अव्वल तो जाए नहीं, अगर जाना पड़ जाए तो फिर ये कोरोना वायरस का मास्क पहन के जाए। तो अब ये देख लें, कोरोना वायरस का जब मास्क पहन लेते हैं आप, तो आपके बोलने की फ्रीडम भी गई, आपके सांस लेने की फ्रीडम भी गई। अब ये नाक के ऊपर में रखा नहीं है, वरना तो सांस की भी फ्रीडम गई। और फिर मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं कि मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं करोना करोना करोना। अब आ जाते हैं ये टोपी। अब ये नमाज़ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से या कुरान सुनने से और दुरूद शरीफ का वर्द करने से क्या करोना वायरस से बचा जा सकता है? हाँ, बचा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह की जो ज़ात है वो हर शर से और हर बीमारी से इंसान को बचा सकती है। तो इसलिए ये तो सही है कि अगर कोई नमाजी मस्जिद में ये कह रहा है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और मुझे तो ज़रूरत नहीं है मास्क की और वैक्सीन की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मास्क जो है वो तो एक इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि आपको बाय लॉ लगा दिया गया है कि बैंक में जाना है तो बगैर मास्क के आपको जाने नहीं देंगे, अगर मस्जिद में आना है तो बगैर मास्क के आपको आने नहीं देंगे, इसके अलावा अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको यूनिवर्सिटी में इंटर नहीं होने देंगे बगैर मास्क के। तो ये मास्क की इन्फोर्समेंट है, यानी कि कानून साजी जिसे कहते हैं। तो इसलिए ये है कि मास्क हमेशा जेब में रखें, और जहाँ पे भी मास्क पहनने की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप मास्क पहन लें, तो उससे ये होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, नहीं पढ़ना आता सुने, नहीं समझ में आता तो तर्जुमा सुने और उस पर अमल करें, और दुरूद शरीफ का वर्द करें। और सूरह रहमान में अल्लाह ने तमाम तर बीमारियों की दवा रखी है, तो सूरह रहमान को सुने और ये जो आपकी दिल की फ्रीक्वेंसी है इससे मैच करता है। अगर ये मैच करता है, अच्छा, अब ये जो आपका दिल है, देखिए कुरान जो है नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतारा गया है, तो जो कुरान आप सुनते हैं ये आपके दिल पे आता है, ये दिमाग में नहीं जाता। तो और दिल की जो हार्ट बीट्स होती हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, वो अगर जो बंदा कुरान पढ़ता है या सुनता है तो उससे अगर वो मैच करती हैं तो उसको ज़्यादा जल्दी हीलिंग्स होती हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करती है? फ्रीक्वेंसी के मैच करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जब कुरान सुनते हैं तो बाज़ लोग जो कुरान पढ़ते हैं तो उनका पढ़ा हुआ कुरान आपके दिल को लगता है, जैसे आप कहते हैं ना आपके दिल में जाके लग रहा है, तो वो जो बंदा कुरान की क़िरात करता है उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, और जब ये फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है तो फिर आपको उससे राहत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, और उससे आपको अगर कोई बीमारी है तो उससे निजात भी मिलती है। तो बहरहाल ये टोपी जो है, ये मैं आपको बता दूं कि अल्लाह जो है वो हर बीमारी और हर शर से इंसान की हिफाजत करता है। तो इसलिए ये कहना कि कोरोना वायरस से आपको अल्लाह बचा सकता है हर शर और हर बीमारी से, अगर आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, नहीं पढ़ना आता सुनें, नहीं समझ में आता अमल करें, तो अल्लाह जो है आपको हर बीमारी से और हर शर से बचा सकता है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि कुरान को नमाज़ पढ़ें, कुरान को सुनें और दुरूद शरीफ का वर्द करें, और ऐसे हाफिज़ कुरान की क़िरत सुनें जो आपके दिल को लगती हो। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं तो आप सुनते हैं तो उसमें से हर किसी की जो क़िरत है वो आपके दिल को नहीं लगती। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के ज़माने में भी एक सहाबी अबू मूसा जो थे वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो जब आप उजरे के सामने से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि आवाज़ आ रही है कुरान की तिलावत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और काफ़ी देर तक सुनते रहे और कुरान की किरत। और जब फजर के टाइम पे उस सहाबी को अबू मूसा को बोला कि ए अबू दाऊद, यानी ये दाऊद की औलाद, वाह माशाल्लाह इतनी प्यारा कुरान तुमने पढ़ा है कि ऐसा तो कोई और पढ़ ही नहीं सकता। तो कुछ लोग हैं जो कुरान की किरत इस तरीके से करते हैं कि अगर कब्र में से मुर्दा भी निकल के आ जाए, तो अगर ऐसी किरत करते हैं कि अगर वो मुर्दा सुन ले कब्र में तो वो भी कब्र से निकल के बाहर आ जाए, तो इसकी ये ताकत है। तो आप सोचें कि अगर आप कुरान सुन रहे हैं और आप ज़िंदा हैं तो आपको आपके तमाम बीमारियां, तमाम मुसीबतें, तुम्हारी परेशानियां सब कुछ निकाल के ये आपके अंदर से ले जाता है। तो कोशिश करें कि कुरान को समझें, और नहीं समझ में सुने और पढ़ना तो किसी को आता ही नहीं है, वो तो भूल जाओ, बाकी सुन सकते हैं हम। और अब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई शख्स कुरान सुन भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता तो उसके लिए ये है कि पानी पर पढ़वा ले और उसका पानी पी ले, तो उससे भी उसको वही फ़ायदा होगा जो पढ़ने वाले को होता है और सुनने वाले को होता है, वही उसके असरात जो हैं आपके जिस्म पे आएंगे, यानी कि आपकी रूह और आपके जिस्म पे वही असरात आएंगे। कुरान के जो कुरान पढ़ेंगे आप उससे जो हासिल होते हैं, और जो कुरान आप सुनते हैं उससे जो हासिल होते हैं, अगर आप किसी हाफिज़ कुरान या मस्जिद के इमाम को या मौज़िन को ऐसे कुरान पढ़ के उस पर पानी पर पढ़ के आपको दे, तो वही आपको उससे फ़ायदा हासिल होगा जो कुरान पढ़ने से और कुरान सुनने से हासिल होता है। तो ये है इसकी इंफॉर्मेशन। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप जाएं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और जाके करें, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 9231320544131। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये बीमारी से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए नहीं है। जिसको भी अल्लाह ने दुनिया में भेजा वो एक न एक दिन इस दुनिया से जाएगा, तो इसलिए ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये सिर्फ बीमारी से बचने के लिए है, और पोलियो ड्रॉप्स भी बीमारी से बचने के लिए हैं, और बाज़ दवाइयाँ इंसान ने बनाई हैं, जब इंसान बीमार हो जाता है तो उन दवाओं को इस्तेमाल करता है तो उससे भी उसको फ़ायदा होता है।
अल्लाह ने कुरान में शफा रखी है, तो कुरान को सुने और समझ में नहीं आता तर्जमा सुने और जो भी कुछ उसमें है उस पर अमल करने की भी कोशिश करें और दुरूद शरीफ का वर्द पढ़ें, दुरूद शरीफ का वर्द करें और नमाज पढ़ें तो अल्लाह इस तरह। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह ने इंसान को बनाया एक इबादत के लिए। अच्छा, ये कौन सी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने बनाया इंसान को? वो भी बिल्कुल वाज़े कर दी गई है कि जिस तरह से ऊँट बहुत सारा खाना खा के, बहुत सारा खाना खा के जब वो बैठ जाता है तो फिर वो मुंह से जुगाली करता रहता है। जैसे जैसे ये जुगाली करता है तो इसका खाना अंदर पेट में हजम होता रहता है। तो बिल्कुल जैसे ऊँट जुगाली करता है, इस तरह से इंसान को अपने रब की जुगाली करनी चाहिए। यानी कि जैसे ऊँट करता है जुगाली, ऐसे इंसान को जुगाली करनी चाहिए, चाहे वो दुरूद शरीफ का वर्द हो, चाहे वो कुरान का सुनना हो, चाहे वो नमाज का अदा करना हो। तो इस टाइप की जुगाली आप करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं कि बाज़ लोग जो हैं सेहत के लिए जिम जाते हैं, बाज़ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बाज़ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, बाज़ लोग योगा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने नमाज के अंदर जो आपकी जो नमाज है वो असल में आपकी आपका जिम भी है, आपकी योगा भी है, आपका जॉगिंग भी है, आपकी वॉकिंग भी है। तमाम तर एक्सरसाइज जो हैं वो नमाज में मौजूद हैं। तो इसके जो नमाज पढ़ता है उसको ना जिम जाने की ज़रूरत है, ना जॉगिंग करने की ज़रूरत है, ना वॉकिंग करने की ज़रूरत है, ना योगा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको उसमें नमाज में मिल जाती हैं। और अगर देखें तो 50 रकात 5 नमाजें, अगर 5 सारी रकात आप कैलकुलेट करें तो 48 रकात बनती हैं। और ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ईशा के टाइम पे कि बाज़ दफ़ा उसमें से भी आपको उसमें से भी बाज़ लोगों को पढ़ी नहीं जाती, तो वो 4 फर्ज और 3 वितर पढ़ के ईशा में निकल लेते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गई एक्सरसाइज। तो इसलिए ये कि कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें, कुरान सुनें, दुरूद शरीफ का वर्द करें और कुरान जो है उस कारी का सुनें। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने कह दिया कि इसका सुन लो तो वो आपके आप सुने, नहीं, आप जब सुनेंगे तो जो आपके दिल में जाके लगे, जो भी आपके दिल में जाके लगे उसका सुने, ये है इसका तरीक़ेकार। तो उसी से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कुरान की हर सूरत का अलग अलग फ़ायदा बता दिया गया है। सूरह रहमान तंदुरुस्ती और बीमारी से रिकवरी हासिल करने के लिए, और सूरह बकरा जिन्नात को भगाना हो तो, और दुरूद शरीफ फरिश्तों को बुलाना हो तो, और आयतुल कुर्सी चोरों डाकुओं से बचना हो तो, और सूरह फलक, सूरह नास और सूरह यासीन अगर जादू का असर हो तो उस जादू से बचने के लिए ये दुआएं रखी गई हैं। तो हर कुरान की हर आयत का अलग अलग फ़ायदा है। तो वो ये है कि जो भी आपकी ज़रूरत है, चाहे वो आपकी अच्छी सेहत चाहिए, या आपके पीछे चोर डाकू लगे हुए हैं आपको उनसे बचना है, या आपको आपके पीछे जिन्नात लगे हुए हैं तो उनसे बचना है, तो उसके लिए। और जिन्नात का बता दिया गया कि जिन्नात जब आप पे आते हैं तो आपको रात को सोते में बुरे बुरे ख्वाब नज़र आते हैं, जैसे आप पानी में डूब रहे हैं, जैसे कोई डंडे लेके आपकी पिटाई कर रहा है, कोई जानवर आपके ऊपर चढ़ गए हैं, आपको चाहे चीर फाड़ के खा रहे हैं, तो वो बड़े अजियतनाक ख्वाब होते हैं। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि सूरह बकरा सुने, और नहीं समझ आता तर्जुमा सुने, और पढ़ना तो आता ही नहीं है तो भूल जाओ। और अगर आप पढ़ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो मौलवी जो हैं उनको वो पढ़ते हैं तो वो आपको पानी पढ़ के दे दें तो वो पानी पी लें, तो उससे भी आपको वही फ़ायदा होगा जो पढ़ने से, कुरान के पढ़ने से और कुरान के सुनने से हासिल होता है। तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर है
9231320544 13। अगर आपको कोई सवाल है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएं और करें, तो फिर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। इसके अलावा मेरा ये जोंग का नंबर भी है 03132054413। ये जोंग का नंबर भी है मेरा। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप इस पर करें 03132054413। ओके, अल्लाह हाफिज़।